हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज चंद्रेश भांगे, फैकल्टी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। टुडेज सब्जेक्ट नेम इज माइक्रोवेव एंड रडार। टुडेज चैप्टर नेम इज फंडामेंटल ऑफ माइक्रोवेव कम्युनिकेशन एंड वेवगाइड्स। टुडेज टॉपिक इज सर्कुलर वेवगाइड। रिविजन कर लेते अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। वेरियस माइक्रोवेव टीज पड़ी है, ई प्लेन टी, मैजिक टी और एच प्लेन टी, ये चीज़ पड़ी है अभी तक। आइसोलेटर और सर्कुलेटर पढ़ा है। आइसोलेटर में सिग्नल सोर्स से लोड के तरफ जाता है, लेकिन जब लोड से रिफ्लेक्ट होके सोर्स के तरफ जाने की कोशिश करता है तो आइसोलेटर उसे ब्लॉक कर देता है। अगर सिग्नल को रोटेट करना है तो वेवगाइड के साथ और सर्कुलेटर कनेक्ट किया जाता है तो जो माइक्रोवेव सिग्नल है वो रोटेट हो सकता है। माइक्रोवेव पैसिव कंपोनेंट्स पड़े हैं, जो फ्लेंजेस, रोटेटिंग कपलिंग, बेंड्स, कॉर्नर, ट्विस्ट, ये सब जो अलग अलग तरीके से वेवगाइड को कनेक्ट करने के लिए काम में आते हैं वो पड़ा है। डायरेक्शनल कपलर, अगर वेवगाइड को अलग डायरेक्शन में सिग्नल भेजना है तो डायरेक्शनल कपलर वेवगाइड के साथ कनेक्ट किया जाता है। डिश एंड हॉर्न एंटीना, डिश और हॉर्न एंटीना जो माइक्रोवेव वेवगाइड में यूज किया जाता है वो डिश एंड हॉर्न एंटीना। टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर, अगर माइक्रोवेव सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, वीक सिग्नल को स्ट्रांग करना है तो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर यूज करते हैं। मल्टी कैविटी यानी दो से ज़्यादा कैविटी का यूज करके गेन बढ़ाने के लिए जो अपन मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर तो वो अपन ने पढ़े हैं। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर अपन ने पढ़ा है, जो एम्पलीफिकेशन का काम करता है, ऑक्सीलेटर का काम करता है माइक्रोवेव सिग्नल का। मैग्नेट्रॉन पढ़े हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहती है। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एज एन एम्पलीफायर पढ़ा है। गन डायोड, इम्पार्ट डायोड, माइक्रो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड बैंड डिजिग्नेशन, कंपैरिजन ऑफ वेवगाइड और ट्रांसमिशन लाइन का कंपैरिजन पढ़े हैं और टाइप्स ऑफ वेवगाइड्स पढ़े हैं। कोर्स आउटकम, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है। यूज स्पेसिफाइड वेवगाइड इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम। स्पेसिफाइड वेवगाइड अपन पढ़ने वाले हैं जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं। ये यूनिट पढ़ने के बाद आपका कौन सा आउटकम बढ़ने वाला है, यानी आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है। कंपेयर द फीचर्स ऑफ सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर वेवगाइड फॉर अ गिवन पैरामीटर, यानी कंपेयर करना है सर्कुलर वेवगाइड और रेक्टेंगुलर वेवगाइड फॉर अलग अलग यानी गिवन पैरामीटर, जो भी पैरामीटर दिए रहेंगे उसके साथ उसका फीचर कंपेयर करना है सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर वेवगाइड का। सेशन आउटकम, आज के टॉपिक में आप जो पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर वेवगाइड, ये टॉपिक पढ़ना है, और एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर वेवगाइड ये टॉपिक पढ़ना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम पीओ एंड पीएसओ। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसे कहते हैं, यानी उसके बाद आप वो कौन कौन से जो प्रोग्राम आउटकम है उसे सेटिस्फाइड करते या फिर मैप करते हैं जो एनबीए ने दिए हुए हैं। ये 10 पीओ यहाँ पे लिखे हुए हैं और 2 पीएसओ लिखे हुए हैं। फर्स्ट है बेसिक नॉलेज, जो फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड रहते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं, बेसिक सब्जेक्ट के लिए रहते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन नॉलेज, जो अपने फील्ड रिलेटेड रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के बारे में ये टॉपिक है तो इस वो जो टॉपिक है ये नॉलेज उससे कवर हो रहा है क्या, ये पता करते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी आज जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें वो करने के बाद अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, ये अपन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम में आता है, जो है पीओ 3। पीओ 4 क्या है, इंजीनियरिंग टूल्स,
यानी आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे कोई ऐसा नॉलेज जो डेवलप हो रहा है क्या, जहाँ पे इंजीनियरिंग टूल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से कोई टूल्स का यूज किया जा रहा है क्या, वो आपको पता यानी PO4 में होता है, वो उसके बाद PO5 इंजीनियर एंड सोसाइटी। इस ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका सोसाइटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, लीगल इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस से आपका नॉलेज बढ़ रहा है क्या, तो PO5 सेटिस्फाइड होता है। PO6 क्या होता है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर का वातावरण है उसका, वो टॉपिक पढ़ने के बाद इस रिलेटेड आपका कोई नॉलेज बढ़ने वाला है क्या, वो है PO6। PO7 यानी क्या, इथिक्स। इथिक्स यानी क्या, बिहेवियर। अपना जो बिहेवियर के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है क्या आज का टॉपिक पढ़ने के बाद, ये PO7 बताता है। PO8 क्या है, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। इंडिविजुअल एंड टीम वर्क में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हो उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है या फिर टीम मेंबर करके कुछ काम करना है क्या, इसका नॉलेज कोई बढ़ रहा है क्या, तो ये PO8 होता है। उसके बाद PO9 ये होता है कम्युनिकेशन रिलेटेड। ये कम्युनिकेशन रिलेटेड क्या है कि जैसे आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले उसका, उससे आपका कोई कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होने वाला है क्या, ये बताता है। नेक्स्ट है PO10। PO10 क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या है कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल जो आगे चेंजेस होने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में, इसके बारे में आपको इसके बारे में नॉलेज आने वाला है क्या ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ये है PO10। नेक्स्ट है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, यानी व्हाट शी और ही विल एबल टू द इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेसिफिक इंडस्ट्री सून आफ्टर द डिप्लोमा प्रोग्राम। ये है PSO1। PSO1 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यहाँ पे मेंटेन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप अलग अलग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो टाइप्स रहते हैं, जो सिस्टम्स है, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज आने वाला है क्या। और एक है PSO2, यानी क्या है, इसमें EDA टूल्स यूज। EDA टूल्स का मतलब क्या, इस रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ने के बाद कोई सॉफ्टवेयर का आप यूज करने वाले हो क्या, उसका कोई नॉलेज आने वाला है क्या। तो ऐसे PO1 से लेकर PO10 तक रहते हैं, और एक रहता है PSO1, PSO2। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आज का जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं आप उस रिलेटेड आपका PO1 सेटिस्फाइड हो रहा है, मैप हो रहा है। जैसे इसके में इस, क्योंकि ये टॉपिक में मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री रिलेटेड, उससे वो रिलेट करता है, इसलिए इस यहाँ पे टिक किया गया। सेकंड है डिसिप्लिन नॉलेज, यानी अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है, वो चीज़ सेटिस्फाइड हो रही, मैप हो रही, इसलिए यहाँ पे अपन राइट किए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी यहाँ से अपन कुछ एक्सपेरिमेंट इस रिलेटेड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी PO3 भी साइट इज सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ राइट किया है। नेक्स्ट है PO4 इंजीनियरिंग टूल्स। ये टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े मशीनरी जो है उसके टूल्स है, जैसे सोल्डरिंग गन, वायर्स, ये सब चीज़ें, कटर्स, ये सब टूल्स जो है वो यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट किया हुआ है। लाइफ लॉन्ग PO10 सेटिस्फाइड होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फ्यूचर में, तो आज जो अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी की मदद लेके अगर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज हुई तो अपने को ये टॉपिक पढ़ने के बाद उसका नॉलेज आ सकता है। तो ये भी मैप हुआ है PO10, यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ है। और ये PSO में PSO1 सेटिस्फाइड हुआ है, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में ही एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड हुआ है। आपको इस ये टॉपिक पढ़ने के पहले कुछ नॉलेज होना, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जैसे माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के बारे में आपको पता होना जरूरी है। सेकंड,
माइक्रो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। थर्ड, माइक्रो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल चैनल के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। फोर्थ, माइक्रो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रिसीवर के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो पूरा ये सब्जेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी पे बेस है, तो इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। और जहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी ये वर्ड आया, उसके साथ साथ माइक्रोवेव ये वर्ड आता ही है, क्योंकि माइक्रोवेव सिग्नल वेरी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रहता है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल रहता है। तो आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। ये हो गया सिग्नल, माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, उसके रिसीवर के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर लगेगा, और वही सिग्नल को रिसीव करने के लिए रिसीवर लगेगा, और ये सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने के लिए चैनल लगेगा। तो चैनल वायर भी रह सकता है, वेवगाइड भी रह सकता है, ऑप्टिकल फाइबर भी रह सकता है, और वाटर, डिफरेंट टाइप ऑफ वेवगाइड्स रहते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर वेवगाइड, ये है रेक्टेंगुलर साइड शेप का है, इसलिए रेक्टेंगुलर वेवगाइड। और सेकंड है सर्कुलर वेवगाइड, सर्कुलर वेवगाइड में ये सर्कुलर शेप का रहता है, और यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शेप का रहता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सर्कुलर वेवगाइड, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। सर्कुलर वेवगाइड आर इजी टू मैन्युफैक्चरिंग दैन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, ये आसानी से मैन्युफैक्चर हो सकता है दैन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। सर्कुलर वेवगाइड आसानी से मैन्युफैक्चर होता है रेक्टेंगुलर वेवगाइड से। इजियर टू जॉइन, जॉइनिंग आसानी से अपन उसको कर सकते हैं, एक दो सर्कुलर वेवगाइड जॉइंट आसानी से अपन कर सकते हैं। सर्कुलर वेवगाइड फॉर लॉ, यानी ये सूटेबल रहता है लॉन्ग डिस्टेंस वेवगाइड ट्रांसमिशन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन के लिए सर्कुलर वेवगाइड अच्छा है। हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, इसके पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसमें अटेन्यूएशन लॉस कम होता है। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। प्रोपोगेशन इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज ईजियर कंपेयर टू सर्कुलर वेवगाइड, यानी रेक्टेंगुलर वेवगाइड में सिग्नल का प्रोपोगेशन आसान होता है सर्कुलर वेवगाइड से। सर्कुलर वेवगाइड ऑक्यूपाई मोर स्पेस कंपेयर टू रेक्टेंगुलर वेवगाइड, सर्कुलर वेवगाइड ज़्यादा स्पेस लेता है कंपेयर टू रेक्टेंगुलर वेवगाइड सिस्टम। ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोड्स एग्जिस्टिंग इन सर्कुलर वेवगाइड, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दिस मोड्स। सर्कुलर वेवगाइड में होता क्या है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोड्स रहते हैं, तो इसे सेपरेट करना इस मोड्स को डिफिकल्ट होता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दिस मोड्स। फेब्रिकेशन ऑफ सर्टन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स इज मोर डिफिकल्ट फॉर सर्कुलर वेवगाइड, अगर डिफरेंट कंपोनेंट वेवगाइड के साथ कंपेयर सोल्डर करना है, फेब्रिकेट करना है, ठीक है, तो उस टाइम पे सर्कुलर वेवगाइड आसान होता है। एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे सर्कुलर वेवगाइड यूज करते हैं। इन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, जो एंटीना होता है वहाँ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है, माइक्रोवेव एंटीना, तो वहाँ पे सर्कुलर वेवगाइड यूज करते हैं। सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वेवगाइड ट्रांसमिशन अबाउट 10 गीगाहर्ट्ज़, अगर 10 गीगाहर्ट्ज़ के अबाव सिग्नल रहा वहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस का जहाँ ट्रांसमिशन होता है वहाँ पे सर्कुलर वेवगाइड यूज करते हैं। शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सर्कुलर वेवगाइड यूज करते हैं। इट इज यूज वेयर द ट्रांसमिशन और रिसेप्शन इज रेंज ऑफ द माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन जहाँ पे माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी के सिग्नल का करना है वहाँ सर्कुलर वेवगाइड यूज करते हैं। इट इज़ यूज फॉर हैंडलिंग द हाई पावर एनर्जी, यहाँ पे हाई पावर एनर्जी जहाँ हैंडलिंग की ज़रूरत है वहाँ सर्कुलर वेवगाइड यूज करते हैं। यूज इन एयरबॉर्न रडार,
एक एयरबोर्न रडार रहता है उसमें सर्कुलर वेवगाइड यूज करते हैं, यूज इन ग्राउंड रडार। ग्राउंड रडार में सर्कुलर वेवगाइड यूज करते हैं, यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में सर्कुलर वेवगाइड यूज करते हैं, यूज इन डिवाइस फॉर नेविगेशन। नेविगेशन डिवाइस यानी जो कुछ कहीं फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन देना है, ऐसे डिवाइसेस में सर्कुलर वेवगाइड यूज करते हैं। क्या क्या अभी तक पढ़े टॉपिक वो अपन इस चैप्टर में देख लेते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर वेवगाइड पढ़ा है। एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर वेवगाइड, वेरियस एप्लीकेशन पढ़े हैं सर्कुलर वेवगाइड के। इस पे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक बार देख लेते हैं। स्टेट एनी टू एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर वेवगाइड, ये टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू दोस्तों।